हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और शिवांशी अभी क्या है, अपने पापा को लगा रही है मेहंदी। मेहंदी डिज़ाइन तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये दिखा रही थी कि उसके हाथ का बैलेंस कितना अच्छा है। बहुत अच्छे से उसने कोन पकड़ रखी है मेहंदी की। देखो शिवांशी ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है मामा जी के। देखो मामा जी को कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है, वो मेहंदी लगा रही है बैठे बैठे, बड़े बड़े फोटो खींच रहा है। ये देखिए कितनी बढ़िया मेहंदी लगाई है उसने, सबने लगा ली थी, पापा ने नहीं उसके लगाई थी। इधर आओ, इधर मम्मी दूध लेके बैठी है। ये देखो ले लिए लिए घूम रही पीछे पीछे, बता दो झूठ ना बोलो, दूध की वजह से छुपी थी। फटाफट से खत्म कर दो इसे, पी लो, घूमने चलना है। मेरी दुनिया वो गिर जाए, मोबाइल गिर जाएगा। जाओ गोद में चले जाओ पापा के। आ जाओ पापा, अयान पापा से मिलके बहुत खुश हो रहा है। ये देखिए बहुत ज्यादा खुश हो गया है, एकदम आके गोद में बैठ गया है। पापा जा रहे हैं? जा रहे पापा? नहीं पापा। जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। जा रहे हैं? पापा जा रहे हैं? पापा जा रहे हैं? नहीं जाना, हम बिना फूफा हैं, पापा नहीं। जा रहे हैं? जा रहे हैं? पापा जी अब तो जान गए, जाएंगे तो छोड़ दो, नहीं जाएंगे भैया, अब नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ के। अरे वाह, छू रहे हो, जब से दौड़ा रहे। पापा के आने की खुशी में इतना खुश है कि सबके पैर छूने में लगा हुआ था यान। अभी मम्मी ने और भाई ने इनके पैर छुए थे, तो देख के अपना भी सबके पैर छू रहा था। और अभी इतना उदास उदास सा था, बीमार सा, और पापा को देखते ही एकदम एक्टिव सा हो गया है। चाट लगाया, जीरा, अजवाइन, नमक, बेसन भी डाला। और यहाँ पर नीलम कर रही है खाने की तैयारी, और यहाँ पर ये आटे में बेसन, अजवाइन, नमक वगैरह डाल के पूड़ी बना रही है रास्ते के लिए, मतलब बांधने के लिए खाना। और वैसे तो खाना बन चुका है, अरबी की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ये सब खाना बन गया था दिन का। तो अभी ये सब्जी पूड़ी अलग से बना रही है नीलम। और वैसे सब लोग खाना खा चुके हैं, और खावा के बस यही तैयारी चल रही थी। और आज मेरा मूड अच्छा नहीं था, तो मैं नहीं करवा रही थी, वरना मैं भी नीलम के साथ लग जाती करने के लिए। और यहाँ पर नंदनी अपना ये टॉप चेक कर रही है। नंदनी के लिए जो मैं ग्रीन कलर का टॉप लेके आई थी ना, फुल वाला, वो नंदनी ने मुझे दे दिया है, और उसकी वर्दी ये एक्सचेंज कर लिया। ये मैं अपने लिए लेके आई थी ब्लू कलर का, तो ये हल्का मुझे ऐसा लग रहा था बहुत फिटिंग का था, तो फिर नंदनी ने अदला बदली कर दी है। और ये नंदनी को पसंद भी है, और ये था भी लड़कियों के ही टाइप का। और यहाँ पर मैं और मम्मी खा ले रहे हैं खाना, क्योंकि मैं मेरे यहाँ पर मम्मी अगर मैं निकल जाऊँगी तो फिर ये खाएंगी भी नहीं, और मैं अभी खा ले रही हूँ साथ में। और मेरे निकलने के बाद तो मम्मी नहीं खाएंगी खाना, पक्का नहीं खाती हैं वो, और मेरा भी निकलते टाइम खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा सा खा लिया है। और यहाँ पर नंदनी आलू वगैरह छील रही है सब्जी बनाने के लिए, और नंदनी ही सब्जी बना रही है, मैंने ना तो पूरी सब्जी कुछ नहीं बनाया। इन लोगों का जो मन कर रहा था वो अपने हिसाब से हमने बना लिया है। और जब मैं देख रही ना, नंदनी ने इतनी हल्दी डाली है सब्जी में, बहुत हल्दी वल्दी दिख रही थी, लेकिन बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी नंदनी ने। जब मैंने खाई थी ना तो बहुत टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पर मैं रक्षाबंधन से पहले ही जा रही हूँ राखी तक, मैं रुक नहीं पा रही हूँ त्यौहार में, इसलिए मैं भगवान जी की अलमारी में रख जा रही हूँ नीलम की, भाई की और शिवांशी की राखी, ताकि रक्षाबंधन की राखियाँ हैं। ये दो राखियाँ, एक मेरी है, शिवांशी की है। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं राखी करके जाऊँ, राखी नहीं तो कम से कम नागपंचमी तो करके जाऊँ, क्योंकि नागपंचमी के पहले का वीडियो शनिवार के दिन मेरी तैयारी चल रही थी, लेकिन ये अगस्त में ही सारे मतलब त्यौहार होते हैं, और मैं कोई भी त्यौहार नहीं कर पाई क्योंकि ये माने नहीं, क्योंकि अभी हमें जल्दी में आना भी है, मतलब जल्दी आना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें आने में,
क्योंकि आयान का मुंडन होगा तो मैं सीधे ससुराल जाऊंगी, वहीं पर आयान का मुंडन होगा, क्योंकि पाँचवीं में जैसे ही लगेगा वैसे ही अच्छे दिनों में इसका मुंडन कराना है। पाँचवीं में ही इसका मुंडन होना था, तो इस वजह से, क्योंकि इसकी तबीयत बार बार बिगड़ रही थी और यहाँ पर बिल्कुल एकदम कमज़ोर सा होता जा रहा था बार बार बुखार आने से, और बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, तो ये भी कह रहे थे कि कैसा होता जा रहा है और मतलब सही से दिख नहीं पा रहा है, मतलब दिखा तो सब सही से रहे थे लेकिन उसको सूट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से इसने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब केयर तो बराबर हो रही लेकिन उसको सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये इमरजेंसी में भी मुझे अभी लेके जा रहे हैं त्यौहारों से पहले ही। बहुत बुरा तो लग रहा है लेकिन फिर हर चीज़ देखनी होती है, क्योंकि शादी के बाद वो घर संभालना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सभी के लिए। फिर वहाँ सासू माँ मम्मी जी भी कह रही थी नहीं इसको अभी ले जाओ तुम यहाँ से, फिर ये ठीक ही हो जाए, इसकी हेल्थ वगैरह सही हो जाए, फिर मुंडन के लिए जल्दी उसे ले आना, तो बस उसी की तैयारी करेंगे ताकि आयान का मुंडन हो जाए तो इसका भी ये ठीक रहेगा, कहीं भी ले जाने वगैरह में एक बार झालर तो झालर उतर जाएगी ना, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी इसे भी। तो बस यहाँ पर तैयारी हो रही थी, नीलम ने मावर लगाया है, उसके बाद में बाल भी ऐसे बांध दिए हैं ना कि सफ़र में बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुए, इतने अच्छे से बाल बांधे थे, वरना सफ़र में इतने ख़राब हो जाते हैं बाल, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से बांध दिए थे एकदम अच्छे से। अच्छा उसका कहने का मतलब क्या काम है तुम्हारा, जानू है पापा ने बस छुट्टी मिल जाएगी। और यहाँ पर सारी तैयारी हो गई, नीलम खाना भी पैक कर दे रही है, मतलब भेजने के पूरे इंतजाम हो गए, पूरी सब्जी सब कुछ बांध दिया है, और साथ में मम्मी ने थोड़ी सी ज़बरदस्ती बड़ी भी बंधवा दी थी दाल की, मैंने मना भी किया था कि बहुत सारा सामान हो जाता है कुछ बांधना नहीं, लेकिन फिर भी ये घर की हाथ की बनी, मतलब मम्मी ने घर में ही दाल की बनाई है, मम्मी और नीलम दोनों लोगों ने मिल के, तो ज़बरदस्ती मेरे मना करते करते उन्होंने थोड़ी सी नीलम ने बड़ी बांध ही दी है, ये देखिए घर की एकदम जो फ्रेश बड़ी होती है ना वैसी है, इसलिए बांध दी है, क्योंकि कुछ भी ले जाने का मन नहीं करता इस टाइम, कोई कुछ भी कहता है ना रख लो तो बहुत बुरा लगता है, कुछ ना रखो हमें, बस हमें कुछ नहीं ले जाना है। और ये देखिए दोनों इतना झगड़ा करते रहे, जितने दिन रहे इतना झगड़ा करते रहे, चींटे जैसे चिपक जाते थे दोनों, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करेंगे, मतलब खेलते खेलते लड़ जाते थे, एक अगर एक कूड़ा उठा के खेलने लगे तो दूसरे को भी कूड़ा ही लेना है, मतलब इनकी ये कंडीशन रहती थी हमेशा। तो बस यहाँ पर टाइम हो गया है निकलने का, क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन है, दोपहर में ही आए थे शाम की ट्रेन है, तो यहाँ पर ये पापा नहीं माने, जबरदस्ती सोच ले आए, मना करते जाने नहीं ले जाना नहीं ले जाना, उनका मन नहीं मानता, वो रख के ही माने। बस यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, ऑटो भी आ गया, बस हम निकलने वाले हैं, बैग वगैरह सब बाहर निकाल दिए हैं, और यहाँ पर जब जाते हैं तो ये जो चावल होते हैं ना वो भगवान जी की अलमारी में पांच जगह मम्मी हर बार रखवाती हैं, पांच जगह देहरी पे, पांच जगह भगवान की अलमारी में, दोबारा से कमरे के अंदर नहीं आते हैं, एक बार ये रख के निकल जाना होता है, मतलब कि लड़की अब जाए अपने पति के घर वापस मायके ना आए, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, इसीलिए रिवाज बनाए जाते हैं भेजते टाइम, हो सकता है कोई और कारण हो, लेकिन वीडियो देखते टाइम मुझे ऐसे ही लग रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, निकल जाना है, तो शायद इसीलिए पुराने लोग रिवाज बनाते हैं। और यहाँ पर थोड़े से चावल गांठ में भी बांध लेते हैं, तो नीलम ने उसमें कुछ पैसे भी बांध दिए हैं कि खाली गांठ नहीं बांधी जाती है, तो बस। और मम्मी को जाते टाइम बिल्कुल भी रोने को मना करते हैं, क्योंकि मम्मी को जब से हार्ट की प्रॉब्लम हुई है ना तो इनको रोना इनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा, ये रोती हैं तो इनकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है, सीधे बेहोश हो जाती हैं, मतलब शरीर में अब उनकी वो ताकत नहीं रह जाती है, तो हम कोई भी जाते हैं तो इनके सामने रोते नहीं हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं ताकि ये भी दुखी ना हो। बस रिक्शे में बैठ चुके हैं, शिवांशी बहुत को बहुत बुरा लग रहा है, जा रहा है
और सारा दिन, क्योंकि एक साथ ही खेलते थे, एक साथ जब तक सो नहीं जाते थे तब तक एक साथ रहते थे हमेशा। और बस यहाँ पे हमारा तो जो रिक्शा आया था बैटरी वाला, उसकी बैटरी रास्ते में डाउन हो गई थी, तो वो बोलने लगे कि आप ऑटो कर लो क्योंकि ये पहुँच नहीं पाएगा स्टेशन तक, आपकी ट्रेन ना लेट हो जाए। लेकिन हम स्टेशन आए तो ट्रेन ही लेट थी 1 घंटे, तो यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब मैंने कहा घर पे ही देख लेते ट्रेन, तो कम से कम 1 घंटा और रुकने के लिए मिल जाता। तो यहाँ पे आके देखा है क्योंकि हम आ गए थे ट्रेन के टाइम से। तो ट्रेन हमारी आ चुकी है, ज़्यादा देर नहीं रुकती, यहाँ पर 2-3 मिनट ही रुकती है। तो जल्दी जल्दी हमने सामान चढ़ाया, भाई आया था छोड़ने, तो बस ट्रेन निकलने वाली है, वो खिड़की पे ही खड़ा था। ये देखिए यार पहुँच गया है, कह रहा आप भी आ जाओ चलो साथ में, मेरे साथ में चलो, क्योंकि भाई घुमाने वगैरह लेते आता रहता था इसको स्कूटी से, तो बहुत ज़्यादा वो भी मन कर रहा है कि अंदर ही आ जाए। तो बस हम लोग बैठ गए हैं और अब हम निकलेंगे, भाई भी निकल रहा है घर के लिए, रात का टाइम है तो वो घर निकलेगा। और यहाँ पर इसकी सीट वीट लगा दी है क्योंकि ठंडा हो रहा है काफ़ी, इसको मैंने अंदर से भी बनियान पहना दी है, फुल कपड़े भी पहना दिए, और मैं इसको उड़ा के लिटा लूँगी क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी इसको एक बार की नहीं सही हो रही है, बार बार सर्दी खांसी पकड़ रही है, उसी से इसको बुखार होता है। तो बस इसको मैं सुला देती हूँ अभी। ज्यादा देर नींद आ रही है, 12:07। हाँ 12 बज रहे हैं और हम लोग अभी झांसी पहुँचे हैं और यहाँ से अब हमें ट्रेन पकड़नी होगी। तो अयान थोड़ी देर के लिए सोए थे, इसकी नींद बीच में खुलवा दी है ना, तो ये चिड़चिड़ा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ खा पी लेते हैं बैठ के, क्योंकि अभी ट्रेन को टाइम भी है 1.5 घंटे, तो आराम से थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और सबको जो खाम हो रही है, ट्रेन में एसी इतना मतलब ज्यादा तेज चल रहा था, इसको तो मैं उड़ा रही थी कंबल। ये देखिए नींद से उठाए ना तो ये भी रो रहा है, तो क्योंकि कच्ची नींद थी इसकी और खाना खाने में इसको ये दिक्कत है, जैसे ही एक कॉल लेता है ना गले से अंदर नहीं जाता है, वापस उल्टी कर देता है गले में इन्फेक्शन की वजह से। तो चलिए अभी मैं यही वीडियो को एंड कर रही हूँ, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।